इसे हमसे दिन उजलता है, आंख कुछ भी भर नहीं आती, सैकड़ों मोड़ आ चुके हैं मगर जिंदगी राह पर नहीं आती। तुझे देखा जब ताज महल देखा, फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। मुफ्त में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ। नक्शलाइलपुरी सिर्फ एक नाम नहीं, वजूद है एक शख्सियत का। हिंदी पंजाबी सिनेमा में उनके लिखे गीतों ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नक्शलाइलपुरी का असली नाम जसवंत राय शर्मा है। मेरा पैदाइशी नाम जसवंत राय। देखिए, उर्दू शायरी की एक ट्रेडिशन है कि उर्दू में जब अपनी शायरी शुरू करता है तो एक तो तखल्लुस उसको अपना रखना पड़ता है, वो मैंने नक्श रखा। और साथ लालपुरी इसलिए कि ये उस नक्श का शेर है जो लालपुरी का रहने। नक्श लालपुरी का जन्म 24 फरवरी 1928 को लायलपुर में हुआ। लायलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है और जिसे आज हम फैसलाबाद के नाम से जानते हैं। कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन सच है। सेकंड मैरिज थी, मदर के साथ नहीं बनी। तो मेरी मदर तो जब मैं 8 महीने का था उसमें स्मार्ट पॉक्स में उनकी डेथ हो गई, उनका चेहरा गुम हो गया। इसी वजह से धीरे धीरे नक्शलाइलपुरी अपने पिता से बहुत दूर हो गए। नक्शलाइलपुरी के पिता पेशे से इंजीनियर थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि नक्शलाइलपुरी भी बड़े होकर इंजीनियर ही बने, पर उन्होंने अपनी मंजिल आप चुनी और गीतकार बनने की राह पर निकल पड़े। फादर मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं राइटिंग की तरफ माइल हो गया, उनसे भी डिफरेंसेस हो गए। साहित्यिक बैकग्राउंड के साथ रोजी रोटी के लिए नक्शलाइलपुरी ने 1946 में हीरो पब्लिकेशंस नाम के पब्लिकेशन हाउस में काम किया, बाद में लाहौर चले गए। भारत के विभाजन के बाद नक्शलाइलपुरी वापस लखनऊ उत्तर प्रदेश में आकर बस गए। पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे हम लखनऊ को, वतन अपना वतन आसानी बनाया था हम लोगों ने, दूसरा वतन। और लखनऊ में भी कुछ दोस्त मिल गए, पढ़े लिखे शायर अदीब, उनसे दोस्ताना हो गया, उनसे मिलना, उनसे बहस में बहसी करना, वहाँ से बहुत कुछ हासिल किया। यही उन्होंने अपना नाम जसवंत राय शर्मा से नक्शलाइलपुरी रखा और अदब में एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन फिल्मों में गीत लिखने की उनकी ख्वाहिश उन्हें जल्दी ही मुंबई ले आई। 1951 में नक्शलाइलपुरी मुंबई आ गए और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रूफ रीडर के तौर पर काम करना शुरू भी कर दिया। साथ ही साथ फिल्मों में गीत लिखने की कोशिशें भी तेज कर दी। नक्शलाइलपुरी की कोशिश को परवान मिली फिल्म एक्टर डायरेक्टर जगदीश सेठी द्वारा निर्देशित फिल्म जग्गू से, जिसमें उन्होंने संगीतकार हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में गीत अगर तेरी आंखों से आंखें मिला दूं लिखा और जिसे आवाज दी
मशहूर गायिका आशा भोसले ने। पर ये शुरुआत कुछ खास नहीं रही और नक्श लायलपुरी को कामयाबी का लंबा इंतजार करना पड़ा। इस तरह से फिर उसके बाद स्टंट फिल्मों की आफत जरूर आई बाहर से, लेकिन कोई सोशल किसी ने नहीं बोला। इस बीच नक्श लायलपुरी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स के गीत लिखे। जबों के बाद इनकी दूसरी पेंशनर की फिल्म, उसके बाद कुछ स्टंट फिल्में की, उसके बाद पंजाबी पिक्चरों का दौर शुरू हुआ। और ये पंजाबी पिक्चरों का दौर जो आया, इसमें मैंने करीबन 35 फिल्में पंजाबी की। दूसरा मोड़ आया जब ब्लैक एंड व्हाइट से इंडस्ट्री कलर में गया। तो मेरे पास 5 फिल्में थी, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, कोई वक्त पे नहीं। फिर उसके बाद एक मोड़ आया कि जयदेव जी ने मुझे सीरियल लिखने के लिए बुलाया, और फिर देखिए कि सीरियल का सिलसिला शुरू हुआ। 50 सीरियल लिखे मैंने, 7 साल तक सीरियल की रोटी खाई। उस दौर के मशहूर संगीतकारों जैसे मदन मोहन, खयाम, जयदेव, नौशाद और रविंद्र जैन के लिए काफी काम किया। वैसे तो 144 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया, लेकिन कुछ लोगों के साथ दोस्ताने की हद तक। सपन जगमोहन सिंह बहुत अच्छे मेरा संगीत, जयदेव से बहुत अच्छे मेरा संगीत, खयाम से बहुत अच्छे मेरा संगीत, मदन मोहन से बहुत अच्छे मेरा संगीत, और नौशाद साहब से बहुत अच्छे, सबने प्यार दिया। नक्श लायलपुरी की शायरी में पंजाब की मिट्टी की महक, लखनऊ की नफासत और मुंबई के समंदर का धीमा धीमा संगीत था। नक्श लायलपुरी की लगातार मेहनत और जुनून से तकदीर ने भी घुटने टेक दिए और 1973 की फिल्म दिल की राहें का गीत रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में बहुत बड़ा हिट रहा। इसके बाद 1977 की फिल्म घरौंदा का गीत तुम्हें हो न हो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। 1989 की फिल्म खानदान का गीत ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। 1981 की फिल्म दर्द का गीत प्यार का दर्द है, और 1991 की राज कपूर निर्देशित फिल्म हिना का पंजाबी गीत चिट्ठिये नक्श लायलपुरी की गीतकारी की यादगार मिसाल साबित हुई। नक्श लायलपुरी की दो किताबें भी पब्लिश हुईं, पहली
उनकी नज्मों और गजलों की, तेरी गली की तरफ, और दूसरी उनके लिखे गीतों की, आंगन आंगन बरसे गीत, जिसमें उनके सभी हिट गानों को जगह दी गई, चाहे वो फिल्म के लिए लिखे हों या एल्बम के लिए या टीवी सीरियल्स के लिए। परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटे हैं। मेरी बीवी ने मेरा कदम कदम अपनी ताकत से ज्यादा साथ दिया। एक बच्चे अपनी जगह सेटल है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चे हर एतबार से अच्छे भी हैं। तो ये तस्कीन का बाहिश है। जीते जी मंजर हमने देख लिया कि लोगों ने कितना मुझे पसंद किया, कितना चाह, कितना प्यार किया। मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सफल अलग। मार्च 2016 में नक्श लायलपुरी का हिप बोन फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से अक्टूबर 2016 में वो अस्पताल में भी रहे, पर लगातार सेहत में गिरावट के चलते 22 जनवरी 2017 को अपने घर पर ही नक्श लायलपुरी ने 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और ये दुनिया छोड़कर चले गए। नक्श साहब का खुद के बारे में कहना था, मैं वो दिया हूं जिसे आंधियों ने पाला है, मैं वो दिया हूं जिसे आंधियों ने पाला है, बुझा ना पाओगी ये वक्त की हवा। यकीनन सिनेमा जगत के इतिहास में नक्श लायलपुरी के गीत हमेशा हमेशा जमा रहेंगे। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर